हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आजकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसमें क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस कल मैंने आपको पढ़ाया था, इंपरेटिव सेंटेंस की क्या खासियत होती है, जिसमें आज्ञा या प्रार्थना की दी जाती है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। मैं लेट का प्रयोग, लेट का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, रूल्स फर्स्ट। डायरेक्ट स्पीच में बहुधा लेट का प्रयोग प्रस्ताव, आज्ञा, इच्छा, शर्त, कल्पना या प्रार्थना प्रकट करने के लिए होता है। सेकंड रूल्स है, यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव करने के लिए होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, यदि लेट का प्रयोग आज्ञा या प्रार्थना के लिए हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में, यदि लेट का प्रयोग इच्छा के लिए हो तो विश्ड में बदल देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। इब्राहिम, दो पार्ट का क्या नाम होता है? गुड, दो पार्ट। हाँ, रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टेड होता है। अवसाद, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? गुड, रिपोर्टेड कहते हैं। गुड, इसके बाद सेंटेंस देखते हैं। ही सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, लेट अस वेट फॉर आवर पेरेंट्स। ये क्या कहा जा रहा है, ये क्या है, सेंशन दिया जा रहा है, ये प्रपोज किया जा रहा है, क्या हो रहा है? तो क्या जाएगा, ही प्रपोज, स्पेलिंग क्या हो जाएगी, पी पी आर ओ पी आर ओ पी ओ एस ई डी, प्रपोज दैट दैट, यहां पे हो जाएगा देव दे सुड एस एच ओ यू एल डी सुड वेट फॉर डियर पेरेंट, वेट फॉर डियर पेरेंट, टी एच ई आई आर डियर पेरेंट्स, P-A-R-E-N-T-S, parents. Next देखिए, राकेश said to the रेखा, let us go to college exhibition. मतलब राकेश रेखा से कहता है हमको कहाँ जाना चाहिए, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी में आना चाहिए। क्या हो जाएगा, राकेश proposed to सीता, proposed, proposed सीता टू रेखा, रेखा गुड, आर ए के एच ए रेखा, दैट दैट दे शुड, क्या जाएगा, दे शुड एस एच ओ यू एल डी शुड गो टू द कॉलेज, सी ओ डबल एल ई जी ई, कॉलेज एग्जीबिशन, E X H I B I T I O N. Dear student, next है, the magistrate said, let the prisoner be set free. Magistrate क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि प्रपोज कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, द मजिस्ट्रेट, M A G I S T R A T E, magistrate ordered, O R D E R E D, ordered that, that क्या जाएगा, the prisoner, the prisoner, P R I S O N E R, prisoner should be होगा, S H O U L D, should be set free, set free, S E T, set free, F R W E free. Next देखिए, मोहन said, Let me have a cup of milk. क्या जाएगा? मोहन wished, इच्छा है उसकी, W I S H E D, wished that, that के बाद क्या होगा? He should, he should, S H O U L L D, should have a cup cup of मिल्क, एम आई एल की मिल्क। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर वाला, अगर प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड मतलब अंदर वाले के टेंस में चेंजिंग नहीं होती है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे सजेस्ट हो जाएगा
और अगर रिक्वेस्ट होता है तो रिक्वेस्टेड की जगह रिक्वेस्ट हो जाएगा, विश की जगह विश्ड हो जाता है। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था पर्सन था। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई माय मी वी आवर एस होता है, सेकंड पर्सन में यू योर यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही हिज हिम शी हर हर इट इट इट्स, और प्लूरल में दे देयर देम होता है। डियर स्टूडेंट, हमेशा इस चीज को याद कर लीजिएगा कि पर्सन अगर आपको याद है और अगर रिपोर्टिंग में कौन से टेंस होने पे रिपोर्ट एक्सचेंज होता है, अगर ये बात क्लियर है तो आप आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, राखी सेड टू द सर्वेंट लेट दिस बॉय गो होम, क्या हो जाएगा? राखी आर ए के एच आई, राखी ऑर्डर्ड ओ आर डी ई आर ई डी ऑर्डर्ड द सर्वेंट एस ई आर वी ए एन टी सर्वेंट दैट, क्या होगा? टू लेट, देखिए दिस की जगह क्या यूज हो रहा है, दैट दैट बॉय गो होम। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस सब को समझाने में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको देखने में समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय।